को व्याकुल हम सब का मन है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप जो आएंगे पटना को हम सजाएंगे, आप जो आएंगे पटना को हम सजाएंगे, राहों में आपके फूल हम बिछाएंगे। वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार लाखों बाबा के समर्थक, उनके भक्त इंतजार कर रहे थे और हम वो मंच आपको दिखाना चाह रहे हैं जिस मंच से यहाँ पर बाबा का प्रवचन होगा। और स्वाभाविक तौर पर इसकी तैयारी भी बहुत पहले से चल रही थी और ज़िला प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि बाबा का कार्यक्रम और बेहतर तरीके से हो। सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही पुख्ता की गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये बात सामने आई थी कि बाबा प्रवचन देने के लिए बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, उसके बाद विवादित बयानों का सिलसिला जारी हो गया था और ये भी कहा जा रहा था कि बाबा के कार्यक्रम का विरोध होगा। और यही वजह है कि कार्यक्रम को लेकर के ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो भी भक्त पहुँचे, जो भी श्रद्धालु पहुँचे, वो बेहतर तरीके से यहाँ पर बाबा के प्रवचन को सुन सकें। और आप देख सकते हैं कि जो मेटल डिटेक्टर के ज़रिए, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर के ज़रिए मंच की पड़ताल की गई है, छानबीन की गई है और एक एक चप्पा चप्पा यहाँ पर छाना जा रहा है, जांचा जा रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से SOP जारी हुआ है और उस SOP के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था प्रायोरिटी है और जो लोग यहाँ पर आएंगे वो सुरक्षित निकले, ये भी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में संतों की तस्वीर है, संत यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस दिन का इंतज़ार सभी संतों को था, सभी बाबाओं को था। और जब धीरेंद्र शास्त्री इस मंच पर बैठेंगे तो स्वाभाविक तौर पर एक अलग माहौल होगा, एक अलग माहौल को यहाँ पर उनके भक्त देख सकेंगे। और मेरे सामने, ये मंच के ठीक सामने आप देखिए लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं और वो बाबा को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बिहार में पहला कार्यक्रम हो रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी कोशिश भी की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। जय श्री राम। जोर से, इतना हल्का नहीं, जोर से। बक्सर से आए हैं। 5 दिनों तक रहना है। कितने दिनों तक रहना है? 3 दिन तक। जब तक रहे, जब तक रहे। हाँ, बाबा पर इतना भरोसा है? बहुत भरोसा है। हाँ हाँ। क्या बाबा के लिए 4 लाइन आप लिखे हैं? मैंने बाबा के लिए लिखा है, बाबा के चरणों में अब तो जीवन है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, मिलने को व्याकुल हम सब का मन है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आप जो आएंगे पटना को हम सजाएंगे, आप जो आएंगे पटना को हम सजाएंगे, राहों में आपके फूल हम बिछाएंगे, राहों में आपके। आज वो आने वाला वो क्षण है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जय श्री राम। हम लोग बक्सर के पावन धरती, विश्वमित्र के धरती से चलकर यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम में आए हैं। बाबा पर कितना भरोसा है? बाबा पर हम ही लोगों का भरोसा नहीं है, पूरी जनता की भरोसा है। बहुत लोग राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की बातें देते हैं। ये मंच जो है राजनीति न होकर, ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर बाबा के समर्थक पहुँचे हैं और उन्हें विश्वास है कि ये कार्यक्रम जो है उनके लिए हो रहा है। उन्हें इस कार्यक्रम के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन ये कार्यक्रम बिहार में हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए एक बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है। और हर मुंह से जय श्री राम आपको यहाँ पर सुनाई देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हनुमान कथा के जरिए, श्री राम नाम के जरिए उनका बेड़ा पार हो सकता है। और आप देख सकते हैं महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर जय श्री राम और अभी से यहाँ पर भक्ति में लीन हो चुकी हैं। बाबा के दर्शन में जितना उन्हें उत्साह मिल रहा है, जितना उत्साहित है बाबा के दर्शन को लेकर के, उतनी ऊर्जा वो अपने साथ लेकर के यहाँ पर पहुँची हैं। और जो तस्वीरें दिख रही हैं, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। उन्हें पता है कि एक बार अगर बाबा से सीधा साक्षात दर्शन हो जाए तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं तरेत मठ की और तरेत पाली मठ की, और इस मठ के जरिए ही यहाँ पर मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं जय जय रामलला की, हर घर मोदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जयकारे लगाए जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इस दिन का इंतजार बाबा के भक्तों को था और तैयारी भी बड़े पैमाने पर चल रही थी। स्वाभाविक तौर पर कार्यक्रम सफल हो यही सब लोग चाहते हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई है। तरेत मठ की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और सब यही चाहते हैं कि बाबा का जो मैसेज निकले वो बिहार के कल्याण के लिए मैसेज निकले और सभी इस कल्याण की गंगा में खुद को बहता हुआ पाए। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, तरेत।